Find the area of the region lying in the first quadrant and bounded by y is equal to 4x square, x is equal to 0, y is equal to 1, and y is equal to 4. So let's see how we will solve this problem. तो देखिए सबसे पहले तो मैं कर्व की बात करूं तो फंक्शन आपको दे रखा है y is equal to 4 times of x square. So this is actually the parabola, this is the concave upward parabola, जैसा कि मैंने यहाँ पे प्लॉट करके रखा हुआ है. So this is the parabola y is equal to 4x square. अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको जो पोर्शन, जिस पोर्शन का आपको एरिया निकालना है वो तीन बाउंड्री से बाउंडेड है. एक लाइन है x बराबर 0, तो x बराबर 0 का मतलब हो जाता है y एक्सिस, है ना. तो एक है आपके पास x बराबर 0, फिर है y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4. तो y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर की अगर अपन बात करें तो इसका जो शेप है वो लगभग ऐसा रहता है जो मैंने लेफ्ट साइड में भी बनाया हुआ है. यहाँ पे ये जो लाइन है दिस इज और x इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 1 की बात करें तो दिस लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस, तो ये लाइन है y इज इक्वल टू 1, और y इज इक्वल टू 4 मे बी यहां पे लाई करता है y इज इक्वल टू 4. और नाउ यू आर सेइंग कि x बराबर 0 जो कि ये वाली लाइन है, y इज इक्वल टू 1 जैसे मैं अगर बात करूं तो x इज इक्वल टू 0 आपके पास ये लाइन है विच इज अ y एक्सिस, y इज इक्वल टू 1 आपके पास ये लाइन है, y इज इक्वल टू 4 आपके पास ये लाइन है, और कर्व ये कर्व है, और ये बाउंडेड पोर्शन आपको कैलकुलेट करना है जैसा कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में नजर आ रहा है. वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया. तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इस पोर्शन को कैलकुलेट करेंगे. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन मेरे पास है वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन अगर मैं इसे वर्टिकल स्ट्रिप यूज करके अगर एरिया कैलकुलेट करता हूं तो वो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं होगा. तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे हॉरिजेंटल स्ट्रिप यूज करेंगे, है ना. हॉरिजेंटल स्ट्रिप मतलब हम लोग क्या करेंगे कि x को मैं y के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये बनेगा y अपॉन 4 का स्क्वायर रूट. और अभी हम लोग अगर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है या एरिया निकालना है सॉरी, तो एरिया को लिखा जा सकता है a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द लोअर लिमिट इज और y इज इक्वल टू 1, क्योंकि मैं इसको y एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेट कर रहा हूं, है ना. अगर मैं इसे y एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेट करूंगा तो y की जो लोअर लिमिट है वो है आपके पास 1, अपर लिमिट आपके पास 4 है, x इन टर्म्स ऑफ y, तो फंक्शन आपके पास है रूट ऑफ y बाई 4, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है बिटवीन 1 टू 4. तो चलिए देखते हैं कि आगे ये क्या बनेगा. नाउ दिस इज a इज इक्वल टू 1/2, 1/4 है इसका स्क्वायर रूट, आप लेंगे तो 1/2 बाहर आ जाता है, और रूट y को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रल आता है 2/3 एंड y रेज टू द पावर 3/2 एंड द लिमिट इज बिटवीन 1 टू 4. तो चलिए देखते हैं कि आगे हम लोग इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे. ये बन जाता है a इज इक्वल टू दिस इज 1/3, नाउ इट इज 4 रेज टू द पावर 3/2 माइनस 1 रेज टू द पावर 3/2 के, या फिर अपन इसे लिख सकते हैं 1/3, 4 रेज टू द पावर 3/2 की बात करें तो ये वैल्यू 8 होती है और ये आपके पास 1 है. सो द एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज 7/3 एंड फाइनली दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम.